पूरा कपूर खानदान हर साल अपने एनुअल क्रिसमस लंच के लिए एक साथ आता है और इस साल भी कुछ अलग नहीं था। कल जब आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जश्न के लिए पहुंचे तो उन्होंने पहली बार बेबी राह का चेहरा दिखाया। फैमिली लंच की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और इसमें आलिया, रणबीर, रणधीर कपूर, करिश्मा कपूर, बबीता कपूर, आधार जैन, उनकी प्रेमिका उलेखा आडवाणी, अगस्त्य नंदा और नव्या नवेली नंदा सहित अन्य लोग शामिल हुए। अब एक इनसाइड वीडियो सामने आया है और इसमें रणबीर को केक में आग लगाते हुए दिखाया गया है। आधार जैन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किए गए वीडियो में रणबीर कपूर खानदान के अन्य सदस्यों के साथ टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ नव्या नवेली नंदा इस पल को अपने फोन पर रिकॉर्ड करती नजर आईं। रीमा जैन के बेटे अरमान जैन को भी जैन कपूर द्वारा केक पर स्पिरिट डालते हुए वीडियो बनाते देखा गया, जिसके बाद रणबीर ने लाइटर से केक जलाया। जैसे ही केक को आग लगाई जाती है, रणबीर को कहते हुए सुना जाता है जय माता दी। यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है और रणबीर कपूर के कई फैन पेजेस पर शेयर किया गया है। रणबीर कपूर को काले रंग के टी शर्ट और काले पैंट के साथ ग्रे जैकेट में देखा गया। इस बीच क्रिसमस लंच के लिए पहुंची आलिया भट्ट काले और लाल रंग के फ्लोरल प्रिंटेड मिनी ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। बेबी राहा ने एक सुंदर फ्रॉक पहनी थी और अपने बालों को दो सुंदर पोनीटेल में बांधे हुए और बालों में क्लिप लगाए हुए नजर आ रही थी। नव्या नवेली नंदा ने कपूर परिवार के क्रिसमस सेलिब्रेशन के अंदर की तस्वीरें साझा की। तस्वीरों में परिवार एक साथ पोज देता हुआ नजर आ रहा है। एक तस्वीर में नव्या और अगस्त्य को रणबीर कपूर के साथ पोज देते देखा जा सकता है। रणधीर कपूर, बबीता कपूर से लेकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट तक कपूर खानदान के ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। आलिया और रणबीर ने अपनी एक साल की बेटी राह कपूर को पेपराजी के सामने लाने के लिए क्रिसमस का खास मौका चुना। उनकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और प्रशंसकों ने तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि उसकी शक्ल रणबीर के पिता और दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर से मिलती है। She's just like her dadu, her eyes are amazing. जबकि दूसरे ने कमेंट किया, Oh my god, absolute copy of Rishi ji, adorable.